2023 में आप आधारे सभी महानुभाव का मैं हार्दिक स्वागत अर्पण करता हूं। हमारे लिए आज का दिन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने हेतु फांसी दी थी और आज के दिन से भारत में एक नई क्रांति का श्रीगणेश हुआ था। आज वही शहीद दिवस, वही पावन और पवित्र दिवस, जिस दिवस पर देश का हर युवा क्रांति की मशाल लेकर इस देश की गली गली और सड़कों पर निकला था, आज उसी क्रांति दिवस को प्रतीक मानकर छापर के युवाओं ने यहाँ के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वानिकी विकास को मद्देनजर रखते हुए नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का गठन किया। उस संस्था का आज यह पहला कार्यक्रम और साहित्य की इस पुण्य धरा पर सुजला साहित्य संगम का स्मरण करते हुए वो सम्मान अर्पित कर रहे हैं। वो भी अपने आप में एक नई क्रांति की शुरुआत है। ताल छापर का इतिहास मैं समझता हूं कि छापर के निवासियों को भी नहीं पता होता या होगा। ताल छापर वह वीर भूमि है जिस भूमि ने अनेकों सपूतों को जन्म दिया। इस भूमि पर जन्म लेना अपने आप में गौरव का विषय है। जहां पर विष्णोई संप्रदाय के जम्बो जी को ज्ञान मिला, जिस भूमि पर कालूबनी पैदा हुए और जिस भूमि पर साधक गौरदास जी मुंडा जैसा समाज से भी पैदा हुआ, विशेष रूप से भूमि पवित्र और पावन है, ऐसी भूमि पर आज हम श्री गणेश कर रहे हैं। मैं सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे दुनिया में राजस्थान की धरती को जिन्होंने पर्यावरण रक्षकों से जोड़ा और भारत सरकार ने जिनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा, पूरे देश में भ्रमण करने वाले और पूरे देश को पर्यावरण और वृक्षारोपण की वन्यजीव संरक्षण के अलग जलाने वाले आदर जो हिंताराम जी प्रमुख साहब आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ पद्मश्री हिंताराम जी प्रमुख को किए पधारे और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदर जो हिंताराम जी प्रमुख आज के आयोजन की अध्यक्षता के लिए इस पूरे सुधा क्षेत्र में जिन्होंने हम जैसे अनुभवी कर्तव्यों को लेखकों को प्रेरणा देकर तैयार किया, ऐसे गुरुतुल्य आदर जो राजेश विद्रोही जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि जाए। इसी क्रम में मौन साधना से समाज सेवा कर रहे और छापर की इस भूमि को अपने श्रम से सार्थक करते हुए समाज सेवी लक्ष्मीपति सोरा साहब को निवेदन करूंगा कि अभी मंच पर आए और हमें आज की कार्यक्रम को कल्पना कर। मेरा अनुरोध रहेगा इस संस्था के संरक्षक और प्रतिनिधि के रूप में पूरे देश भर में इस छापर का नाम पर्यावरण में और खेलों में अग्रणी करने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय मंत्री चंद्रोजी लैमा साहब से भी पुरस्कार आया। जिला साहित्य संगम के संयोजक और हम सब के आदरणीय जिन्होंने साहित्य की मसाल इस क्षेत्र में चलाई और वापस सुजला साहित्य संगम को पुनर्जीवित करके हम सब के बीच में एक अभिनव कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। मेरा भावपूर्ण आग्रह रहेगा आदरणीय गौरी शंकर जी का साहब से भी आए। चलें।
मेरा अनुरोध रहेगा स्वामी गीतदास प्रगति एवं प्रगाढ़ पुरस्कार जिसके नाम से हम दे रहे हैं, हमारा यह सौभाग्य है कि स्वामी गीतदास जी के पुत्र और इस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सूर्य प्रकाश जी स्वामी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि परिवार के आप सम्मान करेंगे। देवेंद्र जी को मिलेगा तो ताल छापर द्रोण क्षेत्र से थे,
राज्यसभा का लोन क्षेत्र विशेष रूप से आने वाले बाहर के आने वाले माइग्रेंट्स बर्ड्स को प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और राज्यसभा अभ्यारण के संरक्षण में इस नमक उद्योग का भी बड़ा योगदान है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी देवदेव गुंजराज का एक अपना नाम है। आज तो सही नाम नहीं आ रहा है, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत और सम्मान करते हैं। सुजान के क्षेत्र से एक ऐसा नाम जिन्हें हम बिजू भाई जी के नाम से जानते हैं और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 10,000 से अधिक सांप घरों में पकड़कर जीवित जंगलों में छोड़ा है और खुद लगभग 10 बार उन सांपों ने काटा भी है, लेकिन फिर भी आज भी उन जीवों की वो सेवा कर रहे हैं। हमारे स्थानीय इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी आज के कार्यक्रम हम स्वागत का सम्मान करते हैं। और आप सब चेतना का एक ऐसा नाम जहाँ पर शिक्षा की क्रांति तो है ही है, साथ में पर्यावरण की क्रांति के लिए भी वो पिछले दिनों पूरे राज्य के मानचित्र पर आया और उसमें संयुक्त रूप से आदरणीय नामदास जी, सावरदास जी और धनाराम जी प्रजापत एक विशेष रूप से काम कर रहे हैं जो पूरे क्षेत्र में नहीं, जिले में ही नहीं, पूरे राज्य भर में एक मिसाल बना। तो आज के इस कार्यक्रम में अनुदास जी स्वामी आप सब का भी हम आज के कार्यक्रम सम्मान करेंगे, उनका भी सम्मान और स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में सावरदास जी स्वामी का भी हम सम्मान करेंगे, वो आज के इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए तो उनका सम्मान भी हमारे आप सबके पूर्व सरपंच प्रतिनिधि केशवदास जी स्वामी ग्रहण करेंगे, तो केशवदास जी का भी आज के कार्यक्रम में हम स्वागत सम्मान करते हैं। और आप सर से ही धनराज जी प्रजापत जो हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में सम्मान करते हैं, उनका भी आज के कार्यक्रम में हम स्वागत सम्मान करते हैं। ढाणी निरवा के एक युवा शिक्षक जिन्होंने जहां भी पदस्थापन हुआ उनका उस स्कूल को उन्होंने वर्षों से हरित कुंज बनाया, भाई शीश पाल जी धनवा भी आज के बचपन से अब तक समाज सेवा विभिन्न संस्थानों से जुड़े। सारासर के पास एक छोटा सा गांव है भांगीवाल जो इन दिनों पर्यावरण क्रांति के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और इस पर्यावरण क्रांति को जो लोग भगवान रूप के रूप में जाने जाते हैं भाई बालाराम जी शर्मा उन्होंने हम सबका स्वागत सम्मान करते हैं और आज का एक दिन जिसके लिए हम विशेष रूप से याद करते हैं, एक बहुत सुंदर परिसर है आदर्श विद्या मंदिर का जहाँ हम भारत माता की वंदना करते हैं, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके साथ ही आज हम स्मरण करेंगे अमर शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु का, जिन्होंने उनकी प्रेरणा से आज भी युवा प्रेरित हैं। उसके साथ ही छापर के साधक भवरलाल जी मुंद्रा साहब और स्वामी गीतदास जी की छवि भी हमने यहाँ लगाई है, तो मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि बधाए और सबसे पहले महापुरुषों के चित्र पर आप पान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा आज की तारीख में पदम श्री आपकी हम अजीत चतुर्वी जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, पूजा बिहारी जी, जयप्रकाश जी सोनी, सूर्य प्रकाश जी स्वामी, चंद्रमुख जी दायमान, राष्ट्रपति सुराना, सूर्यशंकर जी भाव, आप सभी से मेरा गणपत अनुरोध है आप बधाए। और नेचर एनवायरमेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव स्वामी और अन्य सदस्य इस कार्य में सहयोग करें। मधुसूदन जी से अनुरोध करूंगा कि आए और दीप मंत्र के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में आप
सुजला साहित्य संगम और नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर अमर सिंह भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु के शहादत दिवस पर आयोजित साधक मोहनलाल मुंडेला सरोदय भवन काव्य गोष्ठी एवं स्वामी गीकदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2023 का आज दिनांक 23 मार्च 2023 को आदर्श विद्या मंदिर के हॉल के अंदर यह कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। संगीत प्रज्वलित से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सूर्य निकलता है और उन्हें रोशनी होती है। इसका पूरा लाइव वीडियो आपको तेरा मेरा चैनल पर दिखाई देगा, तो इस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अज्ञानता का जो अंधकार है ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। हमारे यहाँ अगर मान सम्मान करने का
छात्र जो ऐसी परंपराओं में हमेशा जुड़ने रहा है। हमारे बीच स्वागत है ऐसे कार्यक्रम के प्रति इस देश के जाने माने पर्यावरण पद्म श्री अलंकरण श्री घोषित दुर्गा राम जी मामू सरल और सहज व्यक्ति जिनके जीवन के अनुभव हमारे जीवन को अनुभव प्रेरणा देते हैं। मैं चाहूँगा कि स्वामी मठ बताए और उनके सम्मान के लिए नागरिक बनवा नेशनल पार्टी सोसाइटी के अध्यक्ष भाई जनय राजू स्वामी सुनील पुरी जी और हेमंत जी नमस्ते जी आए उन्हें दुपट्टा बढ़ाकर हमारा प्रतीक चिन्ह जो हमारी पहचान है सभी भेंट करके और एक प्रतीक चिन्ह जो आपको बिल्कुल भिन्न लगेगा गोरैया बचाओ अभियान का हमने लगने का एक प्रतिरोध त्याग किया है जो उन्हें भेंट किया पक्षी संरक्षण के लिए स्वामी सर्वे से मंत्र करें और दो मिनट से भी खड़े रहकर एक बहुत अच्छी फोटो था एक फोटो भी सामने वो यादगार क्षण है आप लोग ताली बजा के इंतजार और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष देश के जाने माने शायद कवि और हमारे क्षेत्र के गौरव आदरणीय राजेश गोयल साहब का सम्मान करने के लिए मेरा अनुरोध भाई मुकेश सिंघाना और निर्मल स्वामी को मैं बता रहे और उन्हें दुपट्टा और फोटो भेज करके आपके कार्यक्रम का सम्मान करें। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मान श्री चयन की बाय मांगी स्वामी स्वामी गीता जी के परिवार के सूर्य प्रकाश स्वामी साहब का सम्मान दीजिए मेरा आग्रह रहेगा भाई मधुसूदन जी शर्मा और शंकर बसंतलाल जी शर्मा से आदरणीय बसंतलाल जी शर्मा बता रहे मधुसूदन जी हमारे
पर्यावरण के लिए जिन्होंने काम किया उन सभी भाई बहनों का थोड़ा सा और सामने में थे नगर के गणमान्य व्यक्ति और बाहर से पता रहे सभी अभिभावकों का मुझे स्वागत करना हो और अगर मैं इसी तो मारवाड़ी का जो मारवास में भी ठीक रहे एक गोरैया दिवस 20 तारीख को छेड़े के लिए जब बोले चुप 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 ध्यान दिए दुनिया की आवाज आ गया घूगरा बजे घूगरा कुछ बजे नाच गान को बजना बजे 20 तारीख गोरैया दिवस हो और ठीक 8-21 नाचगानों को तो लय ताल ये सारा मुड़े जब नाचगा तो 21 तारीख विश्व कविता दिवस है शब्द विन्यास होने से कविता बने गानों बने भी नाच हो भी गुरु की आवाज आवे तो गोरैया दिवस के ठीक बाद में कविता दिवस कविता के बाद में अभी 22 तारीख विश्व जल दिवस हो जल में कमल खिले जल में हंस हो गए हंस वाई नहीं तो मैं हुए जगी बगैर की आ रहा था जगह और सुजला साहित्य संगम सुजला पवित्र सुजानगढ़ से सुनगढ़ लाड़े को मत ले जा अब सुजला का मतलब ले वो सुजलाम सुखलाम मलय शीतलाम सुजला
साहित्य का तो बड़ा बड़ा आदमी हो गया, जगह की ज्ञान गिरती हुई। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत भाषण में स्वागत कब होगा वो करने हूं, जगह आपने बढ़ेरा की जगह जागीर दिन आगे बढ़ाने का वास्ते खड़े हो गया पीड़ू मेरू पीड़ू ने साहित्य की पर्यावरण की आज की गंगा और जमुना बहरी है। मैंने सरस्वती बढ़ कुछ संगम को स्थान दे रहा है कि वास्ते सुजला साहित्य संगम की तरफ से मैं आप सारा को स्वागत कर रहे हूँ। मोहनलाल जी मुंडा एक चिर परिचित नाम है, आने वाली पीढ़ी राजनाथ सिंह वो आदमी जो 30 वर्ष की उम्र में आपका छोटा छोटा डाबरा में छोड़ के समाज की सेवा में लग गए। कोई यार को आदमी गरीब का दुख दर्द देख गरीबी की आंख मांगा सो गया, बिना खेल से बतोई लगा हो साहित्य से बतोई लगा हो पर्यावरण से बतोई लगा हो तो नहीं भगवान किसी पार्टी से भी नहीं बनाया हो बहुआयामी व्यक्तित्व जो आपने सर्वोदय भवन के रूप में एक धरोहर छोड़ गयो। आप सारा को कर्तव्य बड़े के धरोहर ने आपको जिंदा रखा और भी के माध्यम से मैं की गतिविधियां भी आदमी का विचारा ने भी आदर्श ने आप जिंदा रखा आप लोगों धर्म बन जाए। मैं सर्वोदय की तरफ से सर्वोदय की दीवार खिड़कियां और दरवाजा की तरफ से आप अनुरोध करूँ जहाँ का लोग जो पड़ेगा लोग आगे आवे और सर्वोदय भवन ने बचावे सर्वोदय भवन के विचारा ने बचावे इसके वास्ते भी मैं आपसे अनुरोध करूँ। पर्यावरण के वास्ते भी वो आदमी बहुत सा भी साहित्य से कभी कृषि आपको कवि सम्मेलन भी वो आदमी करवाया तो ज्यादा मैं आपको समय बोलेगा क्योंकि समय की पाबंदी है। सुधर साहित्य संगम की तरफ से आप सभी महानुभावों का पानी से बने का सहाय योगा को स्वागत करते हूँ। धन्यवाद कोई मुख्य स्लोगन हो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
उनकी सुदीर्घ साहित्य साधना की उपस्थिति में साधक भवरलाल मुन्ना सर्वोदय सम्मान प्रदान कर हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। 23 मार्च 2023 गुरु शंकर भाव संयोजन और शंकरलाल से संयोजन गुरु शंकर ने भाव और शंकरलाल साहब से भी की उन्हें काम बढ़ा रहे और मान आप राजेश उदय साहब से आप आ गए चुंदराज जी मामू साहब से मान आप ज्ञान बता रहे हैं मंच बता रहे और आज एक कार्यक्रम में आप सम्मान करें दुपट्टो भी पहचान पूरे देश में पूरी दुनिया में है।